आपने 100% एक क्रिएटिन का वो 20 ग्राम 5 ग्राम चले आपने विद इन नेचुरल लिमिट्स लाया कि अगर 5 ग्राम भी यूज किया है ना तो 5 ग्राम का 20% क्या बनता है, वो सिर्फ एब्जॉर्ब होगा, सिर्फ जजब होगा, और जजब होने के बाद यूटिलाइज कितना होगा, ओनली 5 to 10%। जबकि इसके मुकाबले में जो नेचुरल डाइट है वो 100% एब्जॉर्ब होती है और एटलीस्ट 80% यूज होती है। तो नेचुरल डाइट की अफादियत से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकेंगे, नेवर एवर। बेटा दैट इज व्हाट वी आर मेड टू बिलीव, ये हमें यकीन दिलाया जाता है, इसके बगैर हो नहीं सकता। यही तो मेरा आज का मैसेज था जी। एनी अदर क्वेश्चन? जी बेटा, मैं आपकी बात करता हूँ। सर मुझे ये बताया कि सर अगर इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं तो सर बॉडी बिल्डिंग का फ्यूचर क्या है आगे, सर हम बॉडी बिल्डिंग किस कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे? सर डेफिनेटली सर आपको पता है कि अगर हमने बड़ा स्टेज कम्पीट करना है, जो भी सर स्टेज कम्पीट करना है, वहाँ पे सर ये चीज़ आपको यूज़ करनी पड़ेगी, लाजमी है अगर आपने उस पॉइंट तक जाना है। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि इसके लिए फिर मुझे घुंघरू पहन के नाचना पड़े तो मैं नाचूंगी। जैसे कीटो डाइट में था, वो भाई ने आंसर क्वेश्चन किया था कीटो डाइट में, जैसे 75% फैट रखी होती है जिसका कुकिंग मत करना, ठीक है? तो जो परसेंटेज मैंने आपको बताई ना कि आप कह रहे हो वो बंदा थोड़ा सा मोटा हो, फर्ज किया हमने एग्जांपल लेते ना, थोड़ा सा मोटा है, हैवी है, मसल गेन करना चाह रहा है, ठीक है, मस्कुलर होना चाह रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा नीचे ले जाएगा, फैट को थोड़ा सा नीचे ले जाएगा, प्रोटीन को ऊपर ले जाएगा, लेकिन प्रोटीन की जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसके अंदर रहते हुए जो मैंने आपको बताई है 15 से 25%, तो आप 25% तक प्रोटीन ले जाओ, ठीक है ना? ये चीज आपने अपने एक जितना बात की थी कि आर्ट है, डाइट डिजाइनिंग इज एन आर्ट, साइंस नहीं है। साइंस आपके सामने रखती है कि ये इतनी परसेंटेज वाली साइंस है, ये हेल्दी है, जो आर्ट है वो आपने खुद परफॉर्म करनी है कि मैं इस बंदे के सकता है। या ओआरएस आपको मिलता है मार्केट के अंदर जिनके अंदर आपके मिनरल्स होते हैं वो इंटेक कर सकता है। वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आपकी एनर्जी को दोबारा रीस्टेक करते हैं और आपकी बॉडी दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपको दोबारा अपनी जो आगे की एक्टिविटी है वो करते हैं। आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने एक सेट बाइसेप का लगाया, अपार्ट फ्रॉम के अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग कर रहे हो जिसके ऊपर आपने रेपिटेशन के ऊपर रेपिटेशन हंड्रेड के अंदर आपने लगाने होते हैं अपनी मस्कुलरिटी को शो करने के लिए, उसको मैं माइनस करके बात करता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर अगर आप प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हो 30 to 45 मिनट का, आप एक सेट लगाने के बाद आपकी ट्रेनिंग प्लान होती है ना, आज मैंने चेस्ट वर्कआउट करना है तो चेस्ट की मैंने कितनी ट्रेनिंग करनी है, देखिए आप ऑब्वियसली आप 4 to 6 ट्रेनिंग आप डिजाइन करते हो तो मैंने बेंच प्रेस लगाना है, इंक्लाइन लगाना है, डंबल प्राइस लगाने हैं, प्रैक्टिक करनी है, या मैंने पुल ओवर करना है, केबल क्रॉस करनी है, उनके दरमियान आप एक सेट करने के बाद भी 30 to 45 का सेकेंड्स का रेस्ट लेते हो, जिसके अंदर आप अपनी ब्रेथ को जो आपकी सर्कुलेशन घट जाती है उसको कंट्रोल करते हो, कोई वाटर का सिप लगाते हो, या आपके पास कोई भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ये जो आजकल मिलते हैं क्या कहते हैं इनको अमीनो एसिड मिलते हैं। आपके साथ मैंने बात को डिस्कस करना है जो हालात चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये आजकल सोसाइटी के अंदर जो हालात चल रहे हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट के क्या स्कोप है, कौन होता है न्यूट्रिशनिस्ट, कौन होता है डाइटिशियन, वो आपको कैसे बताएगा, एक सिंपल नॉर्मल हेल्थी पर्सन की जो न्यूट्रिशन है वो कैसे डिफर करती है एक एथलेटिक बंदे के साथ, एक स्पोर्ट्स पर्सन के साथ, फिर उस स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जो बंदा एक फिटनेस की फील्ड के साथ रिलेटेड है जैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, प्रोफेशनल वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, उन लोगों की जो न्यूट्रिशन है वो कैसे डिफर करती है एक सिंपल एथलीट के साथ, ठीक है, आज हमने बहुत डिस्कस करनी है आपके साथ। जो क्वेश्चन होंगे आपने मुझे उसी दौरान पूछना है जब मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे।